हेलो दोस्तों, आज हम यूज करेंगे मैजिकल पेंसिल। और ये देखो, अरे ये क्या, ये तो यहाँ पे साफ बन गया। हमारे पास जादुई पेंसिल है, कोई जादुई पीपनी नहीं है जो हम यहाँ पे बीन बजाएंगे और ये सांप यहाँ पे नाचेगा। तो जल्दी जल्दी से दोस्तों हमारी मदद करो इस सांप को यहाँ से भगाने में, वरना मेरी तो पैंट गीली हो जाएगी। अरे बोचेंग, तुम्हारी पैंट से गीली होगी, मेरी तो यहाँ पीली हो गई है। अगर इसको नहीं भगाया तो ये नीली भी हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से इस पेंसिल का इस्तेमाल करो, वरना हम तो यहाँ पूरे नीले पीले हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। अरे नोबिता अपनी बकवास बंद करो। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चुप्पा है, मतलब कि नोबिता का खिलौना। तो जल्दी इसको बना लेते हैं। ये देखो नोबिता, तुम्हारा चुप्पा, तुम बचपन में काफी इसे पीते थे। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आरी आ चुकी है, लेकिन इसके तो दांत ही नहीं है। तो चलो जल्दी से इसके दांत बनाते हैं। ये देखो जियान, तुम्हारा जैसे तीखे तीखे दांत। अरे ये देखो, यहाँ पे तो लैपटॉप के बटन है, लेकिन लैपटॉप कहाँ है? मुझे तो लगता है जियान इस लैपटॉप को खा गया है। पर कोई बात नहीं, हमारे पास जादुई पेंसिल है। और ये देखो, हमने बिल्कुल मास्ट लैपटॉप बना दिया है। अब मैं इसमें वीडियो देखूंगा और हाँ, रूम गेम को सब्सक्राइब भी कर दूंगा। और ये देखो दोस्तों, एक प्लेयर खड़ा है जिसने की ग्लव्स भी नहीं पाए। अरे भाई ग्लव्स तो पा ले, अगर तू ग्लव्स नहीं पाएगा तो तेरे हाथ तो टूट ही जाएंगे। तो चलो दोस्तों हम इसकी यहाँ मदद करते हैं ग्लव्स बनाने में। रुको जरा, सबर करो। चलो दोस्तों मैं इसकी जगह से पैर में ग्लव्स बनाता हूँ। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा। अरे जी हाँ, तुम कौन से ग्लव्स की बात कर रहे हो? मैंने तो इसके पैर में दोनों के दोनों बना के देखे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं बन रहे। अभी वो बेवकूफ, सुनियो, तू क्या ग्लव्स अपने पैर में पहनता है? ग्लव्स इसके हाथ में पड़ेंगे, ना कि इसके पैर में, बेवकूफ कहीं का। अरे जियान सॉरी, मेरा दिमाग गू खाने गया था जो मैं सोच रहा था। अरे ये क्या, ये तो यहाँ पे टॉयलेट आ गया है। अरे कौन ऐसा है जो इतनी गंदी सड़ी सड़ी बदबू मार रहा है? इसकी बदबू से तो मेरे नाक के बाल ही सड़ गए। चलो यहाँ नैपकिन बनाते हैं और इसको यहाँ से भगाते हैं। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे तो ट्रॉफी आधी अधूरी पड़ी है। तो चलो हम अपनी मैजिकल पेंसिल का यूज करके इसको प्रॉपर बना देते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो बनाना है वो तुम कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बता दो कि इसके ऊपर क्या बनेगा। और ये देखो, ये तो बिल्कुल मस्त ग्लोबल बन गया है, लेकिन इसमें मैप नहीं, इसमें डिस्को डांस होगा। अरे ये क्या, ये देखो हमारा पालतू जियान। अरे नहीं 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 सॉरी, मतलब कि हमारा पालतू कुत्ता उस लकड़ के पीछे फंस गया है। तो चलो जल्दी जल्दी से इसको ठीक कर देते हैं, वरना ये यहाँ से भाग जाएगा। और ये देखो, हमने लकड़ की पट्टी लगा के इसको बंद कर दिया। अब हमारा पालतू जियान कहीं नहीं भागेगा, वरना ये तो यहाँ वहाँ जाके हड्डियाँ खाने लगता है। इतना खाना खाने के बावजूद भी बताने से क्यों भूख लगती है? समझ रहे हो ना। क्या कहा नोबिता, तुम्हारी जुबान कुछ जारी चल रही है। और ये देखो यहाँ पे नोबिता का टूटा फूटा चश्मा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ इसे ठीक कर देते हैं। ये लो नोबिता, तुम्हारा चश्मा ठीक हो गया। इसे पहनो और यहाँ से 9 to 11 हो जाओ, वरना तुम्हें सारे की सारी लैटरिन खानी पड़ेगी जो कि यहाँ पे बोचैन ने किया हुआ है। क्यों बोचैन, तुम मेरे साथ हो? अरे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरी सपनों की रानी, मेरे सपनों की हसीना, मेरे सपनों की मल्लिका यहाँ पे अपना मेकअप कर रही है, मतलब कि सिजुका। तो चलो जल्दी जल्दी से हम इसको यहाँ पे मेकअप किट दे देते हैं, ताकि अच्छे से मेकअप करे और काफी 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 ज्यादा खूबसूरत लग जाए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी मदद करता हूँ सिजुका की। ये लो और ये लो। अरे जी हम तो पागल हो गए हो क्या? क्या यहाँ पे तस्वीर उल्टी सीधी बना रहे हो? अगर यहाँ पे की शक्ल खराब हो गई तो क्या होगा? पागल जियान पता नहीं क्या क्या करता रहता है, कहीं मेरी सिजुका की शक्ल ही ना खराब कर दे। अरे ये क्या, ये देखो जियान, तुमने तो पूरा का पूरा कबाड़ कर दिया, इसको तो लड़का बना दिया। नहीं नोबिता, ये तुम्हारी सिजुका है। और ये देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक फोन है। अरे ये क्या, सबके पास टच फोन है और हमारे पास ये कैसा फोन है? हम यहाँ से नंबर कैसे डायल करेंगे? इसमें तो नंबर भी नहीं देखा। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पे अपनी जादुई पेंसिल इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे नंबर लेके आते हैं, तभी तो हम अपने सब्सक्राइबर को फोन कर पाएंगे और लाइक कर पाएंगे। तो चलो यहाँ पे गोला ही बनाना है सिर्फ हमको। तो चलो अब मैंने यहाँ गोला बना दिया और ये देखो नंबर ही नंबर है। अब हम यहाँ जितने मर्जी चाहे नंबर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अपना फोन नंबर बताओ, मैं तुम सबको यहाँ फोन करूँगा। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है,
लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अरे नहीं दोस्तों, मैं तो मजाक कर रहा था, फोन नंबर मत देना। हाँ चाहे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अरे ये क्या, ये देखो यहाँ पे तो वेटिंग मशीन है लेकिन इसमें तो सुई ही नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या वजन है। चलो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ करते हैं। क्या कहनो पिता, तुम तो एक नंबर के पागल और बेवकूफ हो। अगर मैं इस वेटिंग मशीन के ऊपर बैठ जाऊंगा तो आराम से वजन पता चल जाएगा। अरे मोटे गेंडे जी आन, तुम पागल हो। अगर तुम इस वेटिंग मशीन में बैठ गए तो ये वेटिंग मशीन तो पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी, जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। तो हमको तो बस यहाँ सिंपल एक सुई बनानी है ताकि हमको वजन का पता चल पाए। अगर तुम इसके ऊपर बैठ गए तो बड़ा बुरा होएगा। हेलो विदा, तुम तो एकदम बकवास करते हो। मेरा वजन इतना कोई ज्यादा नहीं है कि जो ये मशीन तोड़ देगा। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। अरे दोस्तों यहाँ पे तो ये दोनों लड़ने लग गए लेकिन यहाँ पे सुई बना कोई नहीं रहा है, तो चलो मैं ही बना देता हूँ। बिना इस सुई के तो यहाँ पे कुछ हो भी नहीं पाएगा। और ये देखो मैं यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन सुई ढंग से बन भी नहीं रही है, तो अब हम क्या करें। अरे पहले इस मोटे गेंडे जियान को तो इस वेटिंग मशीन से उतारो, तभी तो वजन पता चल पाएगा। और ये देखो ये तो उतर गया, अब हम इसे ढंग से इस्तेमाल करते हैं तभी ये वजन किसका ठीक आ पाएगा। और ये देखो हमने बिल्कुल सही परफेक्ट बनाया, देखा तो ये यहाँ 3 किलो है। जियान अगर बैठता तो ये पूरा 500 किलो होता, क्योंकि जियान एकदम मोटा सांड जो है। अरे वाह नोबिता, तुमने तो बिल्कुल अच्छा आइडिया दिया है। अगर जियान को उतारते नहीं तो हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो ये तो तुमने काफी अच्छा किया। तो दोस्तों नोबिता के लिए यहाँ ताली बजा दो और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दो। और ये देखो यहाँ पे अंडे आ गए हैं। तुम दोनों सुकड़ हड्डियाँ पीछे हट जाओ, ये अंडे मेरे लिए आए हैं क्योंकि मैं काफी कमजोर हो गया हूँ, तो इन अंडे को खा के मैं अपनी ताकत को बढ़ा लेता हूँ। अरे ओ भूखड़ जियान, खाने पीने का सामान देखा नहीं कि तुम्हारे मुँह से पानी आ जाता है। ये यहाँ पे खाने के लिए नहीं है बल्कि हमको इसको प्रॉपर ड्रो करके इसको पूरा करना है। और ये देखो हमने यहाँ सब कुछ कर दिया लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बन रहा। अरे ये क्या, ये तो देखो ये तो नेक्स्ट बन गया, मतलब कि यहाँ घोसला बनाना था तब ये बिल्कुल परफेक्ट होता। क्या कहा वो चैंग, मैं यहाँ पे भूखड़ हूँ, लगता है तुम्हारी शामत आई है। और वैसे भी मैं यहाँ चिड़िया के अंडे नहीं खाता, अगर ये मुर्गों के अंडे होते तो मैं इसे जरूर खाता। मुर्गों के अंडों से यहाँ शक्ति आती है लेकिन चिड़िया के अंडे तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, और ये बिल्कुल गलत बात है। अरे जी यहाँ अपनी बकवास बंद करो, तुम तो इतने एक नंबर के भूखे हो कि तुम तो रास्ते का भी खाना खा लेते हो। तुम तो देखते भी नहीं हो कि स्कूल जा रहे हो कि घर जा रहे हो, रास्ते में कुछ भी खरीदते हो, अटरम जटरम और सारा का सारा खा लेते हो। और ये देखो दोस्तों हमारा लास्ट का स्टेज आ चुका है, इसके बाद गेम सारी की सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझको तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या करना है। एक मिनट मैं यहाँ गुब्बारे गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अरे ये तो बिल्कुल सही है, तो चलो मैं यहाँ पे रस्सियाँ गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अरे यहाँ एक गुब्बारा कम है, और ये देखो मैंने एक गुब्बारा बना दिया। अरे ये तो काफी आसान था, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि एक गुब्बारा किसने लिया था। और हाँ दोस्तों अगर तुम्हें पता चले कि एक गुब्बारा किसने लिया था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो लगता है जियान ने ही चुराया होगा ये एक गुब्बारा।